कार्यकारिणी की जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। बंसल न्यूज पर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी है, मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ये सचिन पायलट कह रहे हैं, हमारी मेहनत कामयाब होगी, राहुल गांधी की यात्रा से जनता को न्याय मिलेगा। तो प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जो कि छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, दो दिन का ये दौरा है और ये जो बड़ी बैठक, बहुत महत्वपूर्ण बैठक, वो खत्म हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी वो कह रहे हैं और साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो मेहनत है वो कामयाब होगी। राहुल गांधी की यात्रा के बारे में भी उन्होंने कहा कि जनता को न्याय मिलेगा। और सचिन पायलट से हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी टिकेश्वर ने बात की, आइए सुनते हैं। नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जी, उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहेंगे क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं और छत्तीसगढ़ पहली बार पहुंचे सर और बैठक भी लिए, लोकसभा चुनाव की तैयारी है सामने, पूरी तैयारी से कुछ कहेंगे, किस किस तरीके की रणनीति बनी? हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे और पहले से बहुत बेहतर परिणाम आएंगे छत्तीसगढ़ में। 11 की 11 सीट का दावा कर रहे हैं आप लोग, किस दावा कुछ भी करें लेकिन हमारी मेहनत कामयाब होगी और अच्छे परिणाम आएंगे। राहुल गांधी की यात्रा है और 5 लोकसभा सीटों से होकर गुजरेगी, कितना फायदा मिलेगा उनकी यात्रा से? जनता को न्याय मिलने की उम्मीद बनेगी। सचिन पायलट जिनका साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी की पदयात्रा से लाभ मिलेगा, साथ ही साथ 11 के 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की नजर है जिसको लेकर के रणनीति बनाई जा रही है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए 11 लोकसभा सीटों पर कब्जा करने का दावा कर रहे हैं। कैमरा सर राहुल साठी, बंसल न्यूज रायपुर छत्तीसगढ़।